और ये बोल रहे अम्बल तेरे सब्सक्राइबर है, तो ये ना मेरे सब्सक्राइबर है, रोज देख ना हमसे पहले आ गए थे देखिए लोग ना हमसे पहले क्या है, डंडे से छाड़ते हैं इसको ना टेमरू बोलते हैं, हाथ कट रखा है ना। और जेठ जी ने यहाँ पे पराल लगा रहे हैं धूप पे सुखाने के लिए, तो हमारे यहाँ ना ऐसे लगाया जाता है पराल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। ब्लॉग की शुरुआत ना खेतों से ही हो रही है, असल में मैंने ना ऐसे ही होता है खेतों में और काम वगैरह होता है, तो अभी ना सुबह के 6 बज गए हैं और हम खेत में आ गए हैं, और यहाँ पे दीदी भी अपने काम पे लग गए हैं छाटने के, और भैया और भी अपने काम पे लग गए हैं मंडाई के। तो भैया हो ना हमसे पहले आ गए थे, हम तो अभी आ रहे हैं। तो आज में धान की मंडाई है, अब देखते हैं कितनी हो पाती है हमसे। वैसे कल कटाई तो पूरी हो गई है, कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। और मैं ना रात को एडिट करते करते ही सो गई थी, और ब्लॉग भी ना ऐसी एडिट करने के लिए रह गया था, फिर ना ऐसी जैसे तैसे करके ना ऐसे ही एडिट किया है, अपलोड भी किया है। यहाँ ना नेटवर्क इशू बहुत होते हैं खेतों में, ना नेटवर्क नहीं आते हैं, तो अपलोड पे लगा रखा है, पता नहीं कब तक अपलोड होता है। यहाँ पे देखिए लोग ना हमसे पहले के आ रखे हैं खेतों में, और किसी किसी ने तो मंडाई कर भी दी है, कोई कोई अभी कर रहा है। मेरे पास भी ये छानने के लिए, अब हम छान देते हैं इसको। अभी ना टाइम 8:30 हो गया है, और यहाँ पे ना जेठ जी ने रोटी भी ला दी है, यानी नाश्ता ला दिया है, और दीदी ना अभी देंगे नाश्ता। नीचे वाले खेत की हमने मंडाई कर दी है जहाँ हम अभी तक थे, अभी ना हम ऊपर वाले खेत में आ गए हैं। नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया है, तो अब फिर से ना मंडाई का काम स्टार्ट है। मेरे ना यहाँ पे हाथ कट रखा है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, और मेरा कपड़ा था कहीं, पता नहीं कहाँ चले गया यार वो। अभी टाइम 12:30 हो गया है, और हमारी शक्ल आप देख सकते हो, हमें ना बहुत ज्यादा थकान लग गई है। यहाँ पे हिमाचल वालों को भी थकान लग गई है बेचारों को, और भैया औरों को भी थकान लग गई होगी, ये भी मंडाई कर रहे हैं। अभी ना हमारा इतना रह रखा है, ये यहाँ का मतलब लास्ट वाला खेत है, ये इतना हमारा भी छाँटने के लिए है पराल। और जेठ जी ने यहाँ पे पराल लगा रहे हैं धूप पे सुखाने के लिए, तो हमारे यहाँ ना ऐसा लगाया जाता है पराल धूप पे सुखाने के लिए, और पुले भी ना बनाए जाते हैं। और यहाँ पे ना सासू माता ने घास में निकाल दिया है, तो सासू जी भी आ गए थे खेत में थोड़ी देर पहले। कोई कोई ना लोग खेतों में पराल भी बांधने लग गए, और पराल भी घर लेके जा रहे हैं। 12:30 टाइम हो गया है, और मेरा जो व्लॉग अपलोड पे लगा रखा था कल वाला, वो अभी अपलोड ही नहीं हुआ है, वो ना अब घर जाके अपलोड होगा जब मैं घर जाऊंगी। और अभी बज चुके गाइस दिन के 1:30, और अब जाके हमारी ना यहाँ की मंडाई फाइनल हुई है, जहाँ हम सुबह से आ रखे थे, इस खेत की भी हो गई है। तो फाइनल भी क्या, अभी ना यहाँ पे ये है छाँटने के लिए, और मंडाई तो हो ही गई है, और भैया और ऊपर चले गए हैं कट्टा लेके, तब जेठ जी भी घर जा रहे हैं, तो हम ना इसको निपटा नुपटा के उसके बाद ना घर जाएंगे। सास जी ने भी ना घास निकाल दिया है ना, हम लंच पे घर जा रहे हैं, लंच खा के ही उसके बाद दूसरे खेत में जाएंगे। तो अभी ना 3:30 हो गए हैं, और हम खेत में आ गए हैं लंच करके, और यहाँ पे भैया और भी आ गए हैं और दीदी भी ऊपर ना, दीदी और भी आ रखे हैं मंडाई करने के लिए। दीदी औरों का खेत है, यानी कि मेरी मतलब जेठानी लगते हैं। और ये बोल रहे हैं अम्बल तेरे सब्सक्राइबर है, तो ये ना मेरे सब्सक्राइबर है, रोज देखते हैं कि व्लॉग, धन्यवाद दीदी। और यहाँ पे ना देवू भी आ रखा है आज मंडाई करने, देवू भी आ रखा, तू भी करेगा मंडाई। ये ना हम पराल की छंटाई कर रहे हैं, यानी कि जो मंडाई करके देते हैं उसके बाद का जो एक्स्ट्रा धान होता है इस पे, तो उसकी छंटाई ऐसी की जाती है, डंडों से इसको निकाला जाता है, और फिर ना पराल के पुले बनाए जाते हैं। तो ये काम ना हमारा ही होता है, क्योंकि ये हमें ही आता करना, और मंडाई वाले मंडाई करते हैं। और पहाड़ों में ना आजकल बहुत ज्यादा काम है यार। अभी ना शीतल भी आ गई है खेत में पराल घाम लगाने के लिए, यानी धूप पे सुखाने के लिए, तो इन्होंने घर का काम भी किया, बोले बोले मेरे बर्तन धोए, बोले फटाफट आए, बोले खेत में 5 तो बज गए हैं, चाय वगैरह भी हमारा हो गया है, और यहाँ पे मंडाई भी चली रही है। तो धान इस बार ज्यादा नहीं हो रहा है, अभी इतना रह रखा हमारा, इस दीदी भी लगी हुई है अपने काम पे, और यहाँ पे ना मेरा भी छाँटने के लिए। तो हमारे यहाँ ना इसको ऐसे छाँटते हैं जैसे दीदी छाँट रहे, और पूले बनाते हैं पराल के, और हम ना इस डंडे से छाँटते हैं इसको ना, टेमरू बोलते हैं, टेमरू की लट्ठी है ये, यानी इसका जो कच्चे कच्चे होते हैं तो ना दांत साफ करने के काम भी आते हैं, और ये ना अभी इसके छाँटने के काम भी आते हैं। तो अभी ना गाइस 6 बज चुके हैं, और अब जाके हमारी इस खेत की मनाई निपटी है, और अभी भी यहाँ पे ना रह रखा है तिरपाल वगैरह। और यहाँ पे देखिए अभी दीदी भी धान को साफ कर रही है, और 2 कट्टे हो गए, एक भैया लेके गए, एक अभी भैया यहीं पे है, और ये भी कर रहे हैं। अभी अंधेरा हो गया, क्लियरिटी तो आ नहीं रही है, और ऊपर देखिए नीचे से हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से, ऊपर ये देखिए यहाँ से और ऊपर ना कोहरा भी आ गया है पहाड़ी पे। अब देखते हैं कि कल ना बारिश वगैरह ना हो, बस कोहरा तो आ चुका है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है भाई यहाँ का। राम यहाँ पे बेचारी शीतल थक गई, बल इतने से नाज लाके तभी मिट्टी वाला नाज हो थोड़ा सा, और यहाँ पे बैठ रखे हैं,
और रात कितनी हो चुकी है, हम अभी ना घर जा रहे हो, कोई कोई ना अभी खेत में ही है। अभी ना 10:15 हो गया है और खाना पीना हमारा हो गया है, तो धान की मंडाई भी ना ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। थोड़ा एक खेत ही रह रखा, उससे ना कल सुबह जाएंगे हम मंडाई करने के लिए। तो ना बहुत ज़्यादा थक लगी आज, और अब देखते हैं कि एडिट करते करते ना नींद ना आए मुझे। मुझे ना एडिट करते करते आजकल ना नींद आ रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में ना बहुत काम हो रहा है और थक भी लग रही है। जो मेरा कल का व्लॉग है ना उसमें तो भयंकर ऐसा हुआ ना, अब सुबह अपलोड भी लगा दिया था, नेटवर्क थे नहीं, और वो ना 3 बजे के करीबन पड़ा है मेरा ब्लॉग। और आप इससे देखते हैं कि ये क्या होता है, अगर एडिट कर पाए तो सुबह को जाएगा, वरना तो पता नहीं क्या ही कह सकते हैं। तो बेसिकली के साथ ना अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।